हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल थर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल विच इज एडवांस लेवल। आई होप सो यू ऑलरेडी डन बिगिनर्स लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। सो इन दिस लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डिजाइन एंड क्रिएट चार्ट एंड लिंक्स, टू यूज फाइंड एंड सिलेक्ट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, टू अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, टू अप्लाई स्टाइल्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ए एग्जांपल। सो मैं एक शीट ऑलरेडी आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसके अंदर मेरे पास डेटा फील्ड है, तो मैं इसके अंदर कुछ काम करने वाला हूँ। तो अब वो देखते हैं हम क्या क्या काम करेंगे इसमें। सबसे पहले आप इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आप सेल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर शिफ्ट कंट्रोल और एरो की, इससे आप पूरे के पूरे टेबल में जितने कॉलम्स हैं सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सेल पर आपने रखा और शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे एरो की तो एक एक कॉलम को सिलेक्ट कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ करेंगे तो डायरेक्टली पूरी टेबल में जितने ये हैं वैल्यूज सबको सिलेक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली एट द बॉटम साइड, सो कंप्लीट टेबल इज हैज बीन सिलेक्टेड। नाउ गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हम ये सारा काम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब चार्ट्स के अंदर हमारे पास है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर टाइप्स ऑफ चार्ट। सो सभी के अंदर सेम केस चलेगा। मैं एक बार कॉलम चार्ट डिस्कस करता हूं। आपने जो भी वैल्यूज हैं उन्हें सिलेक्ट करोगे और कॉलम पे जाओ और सिंपली जोन सा भी आपको चार्ट, जिस टाइप का चार्ट चाहिए उस पर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपके पास चार्ट बन करके तैयार होकर के आ गया है। इसके अंदर अगर आप कुछ चीजें चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट लेजेंड और यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज देना चाहें वो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साथ में दिखाई दे रहा है किस तरीके से आप बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द बॉटम, सिमिलरली फॉर द वर्टिकल एक्सिस, लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर भी कुछ चीज चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें इसमें लगाना चाहेंगे और क्या नहीं लगाना चाहेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ और चीज चेंज करना है, अगर आपको चेंज चार्ट का टाइप चेंज करना है, मुझे किसी और टाइप में चार्ट लेकर के आना था तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसा भी आप लेना चाहें वो आप लेकर के देख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट एक्सिस करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सिस के लिए नंबर कितना देना चाहते हैं, एक्सिस की पोजिशन क्या होगी, लाइन का स्टाइल क्या होगा, लाइन का कलर क्या हो गया, वो सब चीजें दे रखी हैं। किसी और टाइप का अगर मुझे चार्ट बनाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और मुझे बॉर्डर की लाइनिंग करनी है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इसके अंदर लेना चाहते हैं। सेम वे अगर मैं कोई और टाइप का चार्ट चाहता हूँ जैसे लाइन चार्ट, सिंपली क्लिक कीजिए, ये आपके पास लाइन चार्ट बन के आ गया। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना है। अब हम यहाँ पर सारी ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, इस वजह से ये जो हमारे पास चार्ट आ रहा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आया हुआ है। पाई चार्ट देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं, पाई पे क्लिक कीजिए, आप जितना दिखाएंगे वो डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया। तो ये था हमारे पास चार्ट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक्स। तो इसके लिए अगेन आप इंसर्ट पे जाइए, चार्ट के साथ में ही है लिंक्स, यहां पर क्लिक कीजिए हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के अंदर आप देखेंगे यहां पर कि जितने भी आपके पास शीट्स दे रखी हैं, नीचे आपकी वर्कशीट दे रखी है इस एक्सेल के अंदर, तो वो शीट्स दिखा रखी हैं। उन शीट्स में आप जिसका भी अगर कोई लिंक बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। जैसे हम यहां पर इस टाइम पीएचडी अपडेटेड पर हैं, अगर मैं पीएचडी का यहाँ पर लिंक बनाना चाहूँ तो सिंपली पीएचडी पर सेलेक्ट कीजिए और ओके, ये आपके पास लिंक बन गया। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी वर्कशीट पीएचडी खुल जाएगी, तो ये हमारे पास एक लिंक बन गया। सिमिलर वे अगर मैं एक और लिंक बनाना चाहूँ, हाइपर लिंक पर क्लिक कीजिए, अगर यहाँ पर आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट है या ईमेल एड्रेस है तो आप उसको भी कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो जैसे यहाँ पर से आपका ये ऑलरेडी इसके अंदर है, किसी और को बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। जोन सी फाइल सिलेक्ट करेंगे उसका आप लिंक बना सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है कि आप किसको बनाना चाहेंगे, इट्स अप टू यू टोटली। सो सपोज कि जैसे मैंने इसका लिंक दे दिया, ओके कर दिया, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम वो नहीं करना चाहेंगे कि हम इसको हटा दें, सो इसको मैं नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से आप कोई भी लिंक बना सकते हैं इसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर, हम होम पर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट दिस वन। अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको सर्च करनी है, जैसे मान लीजिए मैं 72, ये जो नंबर है 8th नंबर पे 72, इसको अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कीजिए और फाइंड, तो ये 72 इस पर फाइंड हो गया। और भी कोई है इसके अंदर तो ये 72 सबको दिखा देगा। इसी के साथ में ऑप्शन है मेरे पास रिप्लेस।
रिप्लेस, अगर मैं 72 को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और वैल्यू से तो मैं वो भी यहाँ पर कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं 72 को 80 से रिप्लेस करना चाहता हूँ और मैंने कहा रिप्लेस मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ ऑलरेडी मेरे पास शो हो रही है, और रिप्लेस ऑल मीन्स इस टेबल के अंदर जितने भी जगह 72 होगा वो सब जगह रिप्लेस ऑल हो जाएगा, रिप्लेस बन जाएगा। तो मैंने क्लियर, तो यहाँ पर आ गया टू रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स दो जगह पर 72 था जो कि रिप्लेस होकर 80 से एक्सचेंज हो गया है, स्वैप हो गया है, क्लोज किया। अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग और हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए मुझे इस कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है या फिर इस कॉलम पे अप्लाई करनी है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। मान लीजिए मैंने इस कॉलम पे अप्लाई किया, तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया जिसके अंदर वैल्यूज रेंडम पड़ी हुई हैं। अब मैं गया सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर मैंने क्लिक किया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए दो ऑप्शन हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, पहला ऑप्शन सीरियल नंबर सीक्वेंस में है, मैंने कहा सॉर्ट। अब देखिए सीरियल नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट होकर के आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, अंडू किया। अब मैं फिर से जाता हूं इसी के पास और मैंने कहा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन मीन्स द होल टेबल, नाउ दिस सॉर्टिंग विल अप्लाई टू द होल टेबल एंड द रोज विल बी स्वैप्ड ऑटोमेटिकली, सो सॉर्ट। अब ये देखिए सीरियल नंबर चेंज हो गया, 1 2 3 4 के बाद 10 आ गया, दैट मीन्स ये रोज पूरी की पूरी आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू द दिस वैल्यू ऑफ सॉर्टिंग। सो मैं वापस कंट्रोल जेड किया। अब मैं मान लीजिए पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, अब मैं फिर से गया सॉर्ट एंड फिल्टर, नाउ इसके अंदर है कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया। यहां पर हमारे पास हम कई तरीके से सॉर्टिंग दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने पहला कहा एक्चुअल एफर्ट वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब कई बार हमारे पास होता है कि एक ही कॉलम में सेम वैल्यूज के लिए कई सारी सेल्स होती हैं, तो मैं दूसरा अप्लाई करना चाहता हूँ ट्रेन एलम, इस पर जिसमें मैंने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दो पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो अगर मुझे दो कॉलम्स पर अपनी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। और ये देखिए अब यहाँ पर जहां पर भी सेम वैल्यूज देखिए 42 42, पहली वैल्यू ट्रेन एलम जो ये वाला कॉलम है ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, सिमिलर वे 48 48, दोनों सेम, तीनों सेम बेसिकली, और तीनों में ये सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर उससे छोटी, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस वाले कॉलम पर तो हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अप्लाई, और इस वाले कॉलम पर आफ्टर दिस कॉलम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई मल्टीपल सॉर्टिंग वैल्यूज ऑन मल्टीपल कॉलम्स देन वी कैन यूज दिस कस्टम सॉर्ट, ओके। सो आई एम अगेन डूइंग कंट्रोल जेड अंडू, सो नाउ वी आर अप्लाइंग फिल्टर, सिंपली सिलेक्ट द हेडर्स एंड गो टू फिल्टर ऑप्शन। समटाइम्स वी वॉन्ट ए डेटा विद ए पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए मुझे एक वैल्यू डेटा चाहिए जहां पर मेरे पास एक्चुअल एफर्ट 48 है, तो मैंने कहा ओके और बाकी सारी वैल्यूज हाइड हो गई, कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ इसके अंदर हाइड है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 के बाद 13 आ रहा है, 2 के बाद 13 13 के बाद 21 21, आफ्टर दैट 28 एंड आफ्टर 28 63, दैट मीन्स डेटा इज हिडन इन द बैकग्राउंड, ओनली द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल एफर्ट विद 48 इज शोन, सो दिस वन। अगर हमें 48 के साथ और भी वैल्यूज चाहिए लाइक 42 भी चाहिए तो ओके किया, तो वो सिर्फ वो डेटा शो होगा। ऐसी रिक्वायरमेंट हमें ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा पड़ती है जहां पर हमें सिर्फ लिमिटेड डेटा चाहिए होता है, तो इसका बहुत अच्छा यूज है सॉर्ट और फिल्टर का, ये बहुत जगह यूज होता है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द, हम इन फिल्टर्स को हटा रहे हैं यहाँ पर से, क्लियर किया मैंने यहाँ पर। अब कुछ हम फॉर्मूले देखने वाले हैं कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है मेरे पास कि कोई वैल्यूज हैं, जैसे मार्कशीट में अगर हमारे पास वैल्यू 75 से अबो है तो हम कहते हैं ए ग्रेड, अगर हमारे पास वैल्यू है 60 अबो, 60 से 75 के बीच में तो बी ग्रेड, 50 से 60 सी ग्रेड एंड अदरवाइज डी ग्रेड। तो हम कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, हमें उसके लिए लगाना पड़ेगा इफ फॉर्मूला इक्वल टू इफ, और फिर उसके बाद अगर मैं लगाता हूँ इफ के बाद, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आ गया लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट में क्या लगाएं, हम मान लीजिए इस एक्चुअल एफर्ट कॉलम पर ही लगा रहे हैं दैट इज सी, तो सी और फिर रो नंबर C3 इज ग्रेटर देन, मान लीजिए मैंने कहा 20, इन दैट केस क्या अप्लाई करें, यहां पर दे दें ए, अदरवाइज क्या दें बी, यहां पर मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैंने कहा एंटर, सो बी आ गया ऑटोमेटिकली। अब मुझे इस पूरे जैसे जैसे ये कॉलम में वैल्यूज दे रखी हैं इसी तरीके इन सब पर अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर गया, जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ चेंज हुआ
आइकन, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये अपने आप सारी वैल्यूज लेकर आ जाएगा। देख रहे हैं आप, सब कुछ वैल्यूज आ गई। अब हमें इस फॉर्मूला को अगर और एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार पे गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से इफ लगा दिया है, इफ के अंदर इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सो इसको हम नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं या इफ एल्स कंडीशन भी कह के चल सकते हैं। सो इफ C3 इज ग्रेटर देन 15 इन दैट केस शो द वैल्यू B, अदरवाइज शो द वैल्यू C। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, नाउ प्रेस एंटर। सो ऑटोमेटिकली C आ गया, सभी पर अप्लाई करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप कभी भी ग्रेडिंग अप्लाई करके देख सकते हैं कि कहां पर ए, कहां पर बी, कहां पर सी आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले और भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम कहें इक्वल टू सीलिंग। सीलिंग मींस जो हमारे पास इसकी राउंड नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सीक्वेंस। तो हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं सीलिंग के लिए, या फिर हम कहें वेरियंस निकालना है हमें तो इक्वल टू VAR लिखिए, ब्रैकेट लिखिए और फिर उसके बाद आप रेंज किसके बीच में वेरियंस निकालना चाहते हैं और ये करके ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कर दीजिए तो ये हमें वेरियंस आ गया। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज के लिए अप्लाई होते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन मैं यहाँ पर अपनी रेंज सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर ही मुझे करना है और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे देगा। ओके, तो वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, सम, इस तरीके से बहुत से फॉर्मूलेज हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट्स भी आप निकाल सकते हो, कोरिलेशन जो कि निकालने मैथमेटिकली बहुत टिपिकल पड़ते हैं और ये यहाँ पर हम इजिली निकाल सकते हैं। सो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट करते हैं हमारा कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करना बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन सिलेक्ट द होल टेबल, अब ऊपर जाइए आप, यहाँ पर देखिए स्टाइल्स, स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई भी आप जो लगाना चाहें। मान लीजिए मैं कहता हूँ बिटवीन, तो बिटवीन किस नंबर से लेकर किस नंबर तक के बीच में वैल्यूज हो जो मेरे पास कुछ हाईलाइट होकर के आए विद पर्टिकुलर कलर्स। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ है इसके अंदर। मान लीजिए मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ 1500 से लेकर के और मैंने कहा 2500 तक की वैल्यूज मेरे पास शो हो। ये देखिए ये वैल्यूज मेरे पास हाईलाइट होकर के आ गई जैसा मैंने यहाँ पर स्टाइल लगाया था। अगेन सिलेक्ट द होल टेबल, नाउ वी आर गोइंग बैक। अब इसके अंदर टॉप और बॉटम रूल देखते हैं, जैसे टॉप 10 आइटम्स, तो ये टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर देगा। जितने भी आप आइटम्स को हाईलाइट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इससे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं इस पर आ रहा हूँ। यहाँ पर भी आप डाटा बार्स, जैसे यहाँ पर देखिए डाटा बार्स दिखा सकते हैं, कलर स्केल्स, अलग अलग कलर स्केल्स में वैल्यूज को शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये यहाँ पर हमारे पास आइकन्स है, आइकन्स की हेल्प से वैल्यूज कहाँ पर कम हो रही हैं, कहाँ पर ज्यादा हो रही हैं, वो चीजें हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज ये कम ज्यादा दिखाने लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी एक इफेक्टिव वे है। जब भी मैं इसका प्रिंट लेना चाहूंगा प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है इसे। तो ये मेरे पास कुछ स्टाइल्स जो कि बहुत अच्छा लुक देते हैं अगर हम कोई अपना रूल बनाना चाहें, अपने रूल के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर सेट करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स थे, कुछ फॉर्मूला, चार्ट बनाना, लिंक्स, तो ये हम चीज़ें हमने सारी चीज़ें अपने आज के इस वीडियो में देखा जो कि काफ़ी इफेक्टिव था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो रीच टू अस एट er.gkgupta@gmail.com। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।